आप सभी को राधे राधे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र की महिमा कौन नहीं जानता है। समस्त धर्म ग्रंथों में गायत्री की महिमा एक स्वर से कही गई है। समस्त ऋषि मुनि मुक्त कंठ से गायत्री का गुणगान करते हैं। शास्त्रों में गायत्री की महिमा के पवित्र वर्णन मिलते हैं। गायत्री मंत्र तीनों देव ब्रह्मा विष्णु और महेश का सार है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, गायत्री छंद सामहम, अर्थात गायत्री मंत्र मैं स्वयं ही हूँ। आइए जानते हैं गायत्री मंत्र किस तरह से बना। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित किया गया है। तो चलिए अब जान लेते हैं गायत्री मंत्र को जपने से क्या लाभ होते हैं। गायत्री मंत्र का नियमित रूप से 7 बार जप करने से व्यक्ति के आसपास नकारात्मक शक्तियां बिल्कुल नहीं आती हैं। जप से कई प्रकार के लाभ होते हैं। व्यक्ति का तेज बढ़ता है और मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है। बौद्धिक क्षमता और मेधा शक्ति यानी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं। यह 24 अक्षर 24 शक्तियों के प्रतीक होते हैं। इसी कारण ऋषियों ने गायत्री मंत्र को सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बताया है। अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हॉवर्ड स्टीयनगेरिल ने दुनिया भर के मंत्र भजन और मंगलाचरणों का अपनी शरीर विज्ञान की प्रयोगशाला में गहन परीक्षण के बाद गायत्री मंत्र को विश्व की सबसे प्रभावशाली प्रार्थना घोषित किया है। उन्होंने पाया है कि गायत्री मंत्र प्रति सेकंड 110,000 ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है, जो सभी भजनों में सबसे ज्यादा है। उन्होंने पाया कि गायत्री मंत्र में विभिन्न आवृत्तियां यानी फ्रीक्वेंसी के मिश्रण से विशेष आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करने की क्षमता विद्यमान है। हमबर्ग विश्वविद्यालय ने गायत्री मंत्र के शरीर और मन पर पड़ने वाले प्रभावों पर शोध कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। तो देखा आपने, ये छोटा सा गायत्री मंत्र कितना प्रभावशाली है। अगर हम नित्य अपनी पूजा में इसे शामिल करें तो हमारे शरीर को और हमारे मन को बहुत अधिक फायदा पहुंचेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें। सभी को राधे राधे।